गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वी हैव लर्न अबाउट दिस चैप्टर अ गिफ्ट ऑफ चैपल ओके एंड वी हैव डन द पैराग्राफ फ्रॉम हेयर नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर महेंद्र दिस लिटिल लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्र ओके अब जब उसे पता चला कि जो छोटी सी किटन है उसका नाम क्या है महिंद्रन है तो मृदु वॉज इम्प्रेस्ड मृदु बहुत ही क्या हो गई इम्प्रेस्ड इम्प्रेस हो गई बहुत ही खुश हो गई इट वॉज अ रियल नेम उसने कहा कि ये तो क्या है बिल्कुल रियल नेम है नॉट जैसा क्यूट किटी ने कैट नेम ये बिल्कुल जो जैसे हम बिल्ली के नाम रख देते हैं ना छोटे वैसा नहीं है दैट वॉज अ वेरी रियल नेम ओके एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई ठीक है एंड दिस किटन फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई एम पी पुनई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक अगर तुम्हें पसंद है सो यू कॉल दिस किटन इज एम्पीपुन्नईके ही फाइन ब्रीड ऑफ कैट ये बहुत अच्छी ब्रीड है कैट की जस्ट लुक एट इज़ फर इसके फर देखो इसके बाल देखो कितने अच्छे हैं लाइक अ लायंस मैन मेन मीन्स होता है खाल ठीक है जिससे लायंस की खाल होती है तो लाइक अ लायंस खेल दिस कैट इज़ लुक लाइक अ लायंस मैन एंड यू नो वट द एम्ब्लेम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग वॉज एम्ब्लेम मीन्स होता है सिम्बल्स यानी कि चिन्ह ठीक है एंड यू नो वट्स द एम्बल्स ऑफ द एंशियन पल्लवा किंग वॉज डोंट यू क्या तुम जानती हो कि एंशियंट जो पल्लव किंग थे उनका सिंबल क्या थे उनकी विक्ट्री की ही लोग एक्सपेक्टली एट मृदु वो बहुत ही अच्छे से मृदु को देख रहा था मृदु गीगर्ड मृदु क्या हुई मिस्कुराई थिंक आई एम जोकिंग रवि ने कहा कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ वेल जस्ट वेट अच्छा थोड़ा रुको आई विल शो यू समाइम इट्स क्लियर यू डोंट नो आ थिंग अबाउट हिस्ट्री अच्छा तुम्हें मुझे लगता है कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है हैवन बीन टू महाबलीपुरम हैव यू क्या तुम कभी महाबलीपुरम नहीं गई हो ही सेद मिस्टीरवियसली उसने अच्छे से कहा वेल वेन आर क्लास वेन टू महा महाबलीपुरम आई सॉ स्टैचू ऑफ था थाटास 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 थाटास, थाटास एक्सेट्रा एक्सेट्रा यानी कि दादा के दादा दादा के दादा ऐसे करके बहुत सारे स्टैचू उसने वहाँ पे देखे थे फैक्ट इज महेंद्र हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी एंशियन कैट्स तो जो ये महेंद्र छोटी किटी है ये भी क्या है इन सब की डिसेंडेंट यानी कि इतने सारे किंग्स की क्या है डिसेंडेंट यानी कि उन्हीं की ब्रीड है ठीक है तो देखो कितना सिंसियर हो गया है किटन को लेकर फैक्ट इज महेंद्र ही आर अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशियंट गर्ल क्योंकि महेंद्र वैसी लगती है जैसे एंशियट में कैट लगती थी अक्रोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर दैन द लायन और लायन से की जैसी ही लगती है द पलव अ लायन एम्बिल ऑफ अ पल्लव डाइनेंसिटी ठीक है ये जो पल्लव के किंग थे चेन्नई के साउथ में उनके ही क्या थी एक सिम्बल थी उनकी विक्ट्री के तो ये वैसी ही कैट है जैसी उनकी विक्ट्री वाली पिक्चर में थी रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटल बुश बैरी बुश व रवि जो है वो क्या कर रहा है बैरी बुशेस यानी कि झाड़ियों के आसपास घूमते हुए ये बातें कह रहा है वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन झाड़ियों को ऊपर से नीचे कर रहा है हिसाइस स्पार्कलिंग उसकी आँखें चमक रही हैं जब वो इन सब के बारे में बता रहा है दिस कैट इज डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट है कि ये किसी और की वंशज नहीं किसी और की जनरेशन नहीं बल्कि किसकी है महाबलीपुरम ऋषि कैट की जो ऋषि के पास कैट हुआ करती थी उसकी डिसेंडेंट है एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ दे वर्शिप कैट इन एंशियंट इजिप्ट इजिप्ट में भी कैट की क्या की जाती थी वर्शिप की जाती है ठीक है उनकी पूजा की जाती है तो तुम समझ रहे हो कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस किट इज तो तुम समझ रहे हो कि जो किटन हमारे पास है महेंद्र वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए हाउ ही लव द साउंड ऑफ his ओन वॉइस उसे अपना ही ये बातें कहने में बहुत अच्छा लग रहा है मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स मृदा और मृदु जो है वो एक दूसरे को देखते हुए इसकी बातें सुन रहे हैं वट डज that हैव टू डू विथ एनी थिंग मृदु डिमांडेड मृदु ने कहा कि ये सब से तुम्हें क्या करना है हो आई एम टेलिंग यू द कैट इज़ डिसेंडेंट हाँ मैं तुम्हें बता रहा था कि जो कैट है वो क्या है इन एंशंट रिशीज़ की डिसेंडेंट है यानी कि पूर्वज है फ्रॉम द इसेप्टियन कैट गॉड नो गॉड इज बेस्ट रेड या दैट्स इट सो ठीक है तो इतनी सारी डिटेल देने के बाद मीनायन मृदू ने पूछा तो क्या हुआ फिर है ना तो इतनी आप पढ़ेंगे फिर हम आगे कोई स्टोरी इसमें और कंटिन्यू करेंगे